Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan aur aap sun rahe hain Get Life Coaching with Kamran Sultan. Aaj hamara session number 51 hai aur aaj hamara topic hai back to basics. Maine apne pichle 50 sessions mein jis NLP ke hawale se aapko life coaching provide ki hai uski chand basic cheeze, I thought it would be a good idea agar wo cheeze dobara se thodi dohra le jaye. Because हमारा जो unconscious mind है, जहाँ पर हर किसी की तब्दीली और change हमारे अंदर आती है, उसके functions में से एक function ये है कि उसको repetition की ज़रूरत होती है। मैंने बारहा अपने podcast के अंदर कहा है कि जो exercises NLP की exercises या NLP techniques जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, इनको repetitively कीजिए। और आप में से वो अफराद जो इनको repetitively कर रहे हैं आपको बेनिफिट्स ऑलरेडी उसके नजर आ रहे होंगे और आप में से कई लोग मुझे अपने मैसेजेस से अपने आपको जो फायदे हो रहे हैं मुझे भेजते रहते हैं एंड दैट ट्रूज कि आप लोग यूज कर रहे हैं और जो लोग नहीं यूज कर रहे और पैसिवली बैठे हुए हैं उनको उसके कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे होंगे और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पॉडकास्ट को शुरू से ज्वाइन नहीं किया So I thought कि क्यों ना कुछ बेसिक चीजों को एक बार रिवाइज कर लिया जाए हमने शुरू से जो बात की है वो ये कि हमारी जिंदगी में हमें जो भी नतायज हासिल होते हैं उन नतायज के पीछे हमारे एक्शंस कारफरमा होते हैं अगर हम कोई भी नतीजा अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने एक्शंस को तब्दील करना पड़ता है क्योंकि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल अमल बनाया है अगर हम एक्शंस नहीं लेते तो हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते और हमारे जो एक्शंस होते हैं उनका बड़ी हद तक ताल्लुक हमारे एहसासात से होता है हम किस जहन की कैफियत के साथ कोई एक्शन ले रहे हैं हम इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं हम मेंटली कैसा फील कर रहे हैं अगर हमारे एहसासात पॉजिटिव होते हैं हमारे एक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं और अगर हमारे एहसासात नेगेटिव होते हैं हमारे एक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं हम उन एहसासात को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं उस हवाले से भी मैंने चंद चीज़ें अपने पिछले सेशंस के अंदर आपके साथ शेयर की अगर आपको मिस हो गई हैं तो पिछले सेशंस को रिवाइज कीजिए इट विल हेल्प यू और उन एहसासात के पीछे जो चीज़ चल रही होती है वो इंटरप्रिटेशन जो हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले हालात अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात की कर रहे होते हैं हमारे साथ मुख्तलिफ हालात होते हमें पेश दरपेश होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं वो हमारे हमारे के मालिक हालात से हों वो हमारे रूहानी हालात हों वो हमारे जज्बाती हालात हों वो हमारे कारोबारी हालात हों हमारी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ हालात हमारे साथ दरपेश आते हैं उन हालात में हम उनको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और उस इंटरप्रिटेशन के रिजल्ट में हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं अब अगर हम इसको कंप्लीटली इस चीज़ को समझना चाहें तो क्या हो रहा है कि हमारे साथ कुछ ज़िंदगी में हालात पेश आ रहे हैं कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं उन वाक़यात को हम कुछ माने दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में हम जो माने दे रहे हैं उनके अंदर उसके पीछे जो फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं हमारी क्या बिलीफ सिस्टम्स क्या है हम किस बिलीफ के तहत उन वाक़यात को उन हालात को देख रहे हैं और बिलीफ्स पे मैंने एक सेशन किया था उसमें मुख्तसरन मैंने आपको ये बात बताई थी कि बिलीफ्स जैसे एक चश्मा है आपने अगर लाल चश्मा लगा लिया तो आपको हर जगह लाल का शेड ज्यादा नजर आएगा और नीला लगा लिया तो आपको नीले का शेड ज्यादा नजर आएगा ना सिर्फ ये कि आपको उसका शेड ज्यादा नजर आएगा बल्कि ये कि अगर आपने लाल चश्मा लगाया हुआ है और आप पीले को देख रहे हैं तो आपको पीला नहीं बल्कि ऑरेंज नजर आएगा और अगर आपने लाल चश्मा पीला नीला चश्मा लगाया हुआ है और आप पीले को देख रहे हैं तो आपको पीला नहीं बल्कि हरा नजर आएगा बिल्कुल उसी तरह जब हम अपने आंखों पर अपनी परसेप्चुअल आईज के ऊपर कोई बिलीफ का चश्मा लगा के हम हालात को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो डिपेंडिंग ऑन हमने हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है अगर हमारे जहन में लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं तो हमारे जहन में आने वाले ख्यालात हमारी सोच एक मुख्तलिफ सिंथ में जाती है और अगर हमारी बिलीव्स ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं जो हमें एम्पावर करते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारी सोच मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाती है मैंने बारहा अपने सेशंस में आपको कहा कि आइए मुझसे कोचिंग लीजिए आप में से कई अफराद हैं जिन्होंने कोचिंग ली है
और मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूँ, अगर आपको इन चीज़ों को समझने में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरी कोचिंग की ज़रूरत है, गो अहेड एंड डू दिस। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा यह है कि हम में से मेजॉरिटी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत रिएक्टिव अंदाज में जी रहे होते हैं। हम जब तक बीमार नहीं पड़ते, हम एक्सरसाइज शुरू नहीं करते। हम जब तक किसी मसले में नहीं आते, हम इबादत तक नहीं कर रहे होते। और जब हम मसले में आते हैं तो हमें अल्लाह याद आता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाई का और एक्सरसाइज का ख्याल आता है, उससे पहले हम मुसलसल कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सोचने की ज़रूरत है। और आप गौर कीजिए, जब किसी किस्म की कोई इमरजेंसी आती है तो आपको आपके पास पैसे भी आ जाते हैं, आपके पास टाइम भी निकल आता है और सडनली आप चीज़ें करने लगते हैं। असल मसला हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी ज़िंदगी में जो वैल्यूज़ हम फॉलो कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ अपसाइड डाउन हुई भी होती हैं, उन वैल्यूज़ में इतनी ज़्यादा गड़बड़ हुई भी होती है। सो नतीजतन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता और हम इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कभी हम करेंगे, लेकिन हम उस पर प्रोएक्टिवली काम नहीं करते। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि हाँ जी आपके पास है तो इस वजह से आप कर सकते हैं। असल बात यह है कि आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास जो नियमतें आप चाह रहे हैं वो नियमतें आपके पास होंगी। सो अगर आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे, अगर आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन करते चले जाएंगे, आप एक ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बनेंगे। आप देखेंगे कि माशरे में, दुनिया में आपको ज्यादा वैल्यू दी जा रही होगी। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे इस इंतजार में कि लोग आपको वैल्यू देंगे, उसके बाद आप अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हम एक विक्टिम माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं। और जब इंसान विक्टिम माइंडसेट में होता है तो वो अपने आप को मजलूम समझ रहा होता है और अपने जिंदगी के तमाम मसाइल का जिम्मेदार किसी दूसरे को समझ रहा होता है। वो जिम्मेदार उसके घर वाले हों, उसके ससुराल वाले हों, उसके मोहल्ले वाले हों, उसका बॉस हो, उसकी बीवी हो, उसका शौहर हो, उसके बच्चे हों, समथिंग एनीथिंग आउटसाइड ऑफ देम। नतीजतन लोग एक नफसियाती खेल खेलना शुरू कर देते हैं जिसे हम ब्लेम गेम कहते हैं। और जब तक वो ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, सो वो नतीजतन अपने आप को कमजोर ही महसूस कर रहे होते हैं और वो अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला पाते। उसकी एक इंडिकेशन मैंने अपने सेशंस में जिक्र की थी कि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी पैसिवली यूज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे ये कहने के बजाय कि मैंने किया, लोग ये कह रहे होते हैं मेरे साथ हुआ। और ये तमाम चीजें मैंने अपने मुख्तलिफ सेशंस में आपके साथ जिक्र किए हैं। हमारी हेल्थ का ताल्लुक, हमारी अबंडेंस का ताल्लुक, हमारे पीस ऑफ माइंड का ताल्लुक इन तमाम चीजों के साथ होता है। जब हम कोचिंग करते हैं तो इन तमाम एरियाज को इन डेप्थ देखते हैं। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जानते, हम इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, हमें इसकी आगाही नहीं होती। हमें अभी समझिए इस तरह से कि अगर एक शख्स को के अंदर कोई बीमारी पल रही हो और उसको बज़ाहिर कोई तकलीफ नहीं नज़र आ रही हो तो वो अपनी फिटनेस का ख्याल भी नहीं रख रहा होता, लेकिन अचानक कभी पता चलता है कि वो बीमारी इस स्टेज में थी जब पता चले कि अब उसकी कोई क्योर नहीं बची थी, तो फिर काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी बीमारी को आने से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें तो हमारे लिए ज़िंदगी खासी आसान हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह, बजाय इसके कि हम इस चीज़ का इंतज़ार करें जब कोई मसला आएगा तो फिर हम उसके लिए हल तलाश करेंगे, अगर हम अपने आप को बेहतर बनाते रहें, अपने ऊपर हम काम करते रहें। जैसा कि मैंने अपनी पॉडकास्ट में भी पहले कह चुका हूं कि अगर हम रोज़ाना अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाएं, और सिर्फ 1% बेहतर बनाएं, तो एक महीने में आप कितने बेहतर होंगे। अगर आप रोज़ाना 1% अपने आप पर काम करते हैं और सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, आप एक साल में कितने बेहतर होंगे। इन पॉडकास्ट के अंदर मैं आपके साथ वही छोटी छोटी सी चीज़ें, वही आइडियाज आपके साथ शेयर करता हूँ। NLP की डिफरेंट टेक्निक्स, NLP एक्सरसाइजेस या कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें जिनको अगर आप समझें तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। हमने एक सेशन में बात की थी पास्ट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने माजी में अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, मुसलसल अपने माजी में जीते रहते हैं, वो अपने माजी के बारे में बात करते हैं। मेरे पास जब सेशंस के लिए भी लोग आते हैं तो वो पूरी अपनी ज़िंदगी का हाल, अपने माजी का बताने की कोशिश करते हैं।
اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں کوئی ماہر نفسیات نہیں ہوں, میں ایک لائف کوچ ہوں, میں ایک ماسٹر ٹرینر ہوں NLP کا. سو میں آپ کے ماضی کے اندر نہیں جانتا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج اپنی زندگی میں آپ کہاں ہیں اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ کیا مقام ہے, تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں وہاں جانے کے لیے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اکثر لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ ریئر ویو مرر میں دیکھ کر نہیں چلاتے, کیونکہ اگر آپ ریئر ویو مرر میں دیکھ کر گاڑی چلائیں گے تو گاڑی چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے گاڑی بڑی کئی ایکسیڈنٹس میں مبتلا ہو جائے. زندگی کی گاڑی بھی جب چلاتے ہیں تو اس کو آگے کی طرف دیکھ کے چلائیں. ماضی میں جو ہونا تھا ہو چکا, وہ باتیں کمپلیٹ ہو چکی. آج اگر آپ کا ماضی آپ کو پریشان کرتا ہے, اگر ماضی کے بارے میں سوچ کے آپ کو اچھا یا برا فیل ہوتا ہے, تو وہ اچھا یا برا اس ایونٹ ان سچویشنز کی وجہ سے نہیں ہو رہا, بلکہ اس سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو آپ اپنی ماضی کے ان واقعات پہ لگا رہے ہیں, ان انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو آج آپ ان واقعات کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں وہ نتیجہ ہیں آپ کی اپنی سوچ کا, اور جو بھی آپ کی ایکشنز ہیں وہ نتیجہ ہیں آپ کی فیلنگز کا, اور جو بھی آپ کے ریزلٹس ہیں وہ نتیجہ ہے آپ کے ایکشنز کا. جب ہم کوچنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کی زندگی میں, آپ کی پرسنالٹی میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں, اور ان چیزوں کو, ان فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں جن کو تبدیل کرنے سے آپ کی زندگی کی دوسرے تمام چیزیں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو جس وقت آپ اپنی ذہن میں نگیٹو ایموشن سے آزاد ہوتے ہیں, جس وقت آپ اپنی نگیٹو تھاٹ سے آزاد ہوتے ہیں, جس وقت آپ لمیٹنگ بلیف سے آزاد ہوتے ہیں, اور یہ ایسی کڑیاں ہوتی ہیں, یہ ایسی چینز ہوتی ہیں جو کہ انسان نے اپنے اوپر لگائی بھی ہوتی ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی, اور جب تک ہم ان کو نہیں کھولتے, جب تک ہم ان سے مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوتے, ہم اپنے آپ کو زندگی میں سٹک اور پھنسا ہوا پاتے ہیں. سو یہ چند بیسک چیزیں تھیں جو آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ہوپفلی یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی, ان کو غور سے سنیے. جو ایکسرسائزز آپ کو دی جاتی ہیں ان کو کیجیے. پیسیولی بیٹھ کر اگر آپ خالی ان کو سنتے رہیں گے اور ان پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. میں نے ایک سیشن میں ایک مثال دی تھی, اور وہ مثال کچھ یوں تھی کہ اگر آپ کے گھر میں ایک لان ہے, کہ کیاری ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو جنگلی درخت ہیں, جنگلی پودے ہیں, کانٹے دار درخت ہیں, وہ خود بخود نکلتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پھولدار درخت ہو, وہاں پھلدار درخت ہو, اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. اس دنیا میں جنگلات اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتے ہیں, لیکن کوئی باغ جو آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے, اس کے پیچھے کسی انسان کی محنت ہوگی, کسی انسان نے کام کیا ہوگا. اس زندگی میں, اس دنیا میں اگر آپ کوئی تبدیلی, کوئی رزلٹ چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. یقین جانیے اگر آپ کام نہیں کریں گے آپ کو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. سو آج کے لیے ہم یہیں تک رکھتے ہیں بات. کل میں انشاء اللہ تعالی, اور کل نہیں زندگی رہی تو جب بھی اگلے سیشن کا موقع ملا تو میں آپ کو انہی سے چیزوں سے آگے مزید بات کریں گے, اور ہم نئے ٹاپکس اور دوسری چیزوں کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کہیں اور سے ملتی ہیں اور آپ ان کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں, آپ میری نمبر ایک مجھے ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. اپنا صرف اور صرف پورا نام, اور پلیز صرف پورا نام میسج کیجیے گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سارے میسیجز کو ڈیٹیل میں پڑھ سکوں, اور یقین جانیے مجھے اتنے سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو نہیں پڑھ پاتا. سو صرف مجھے اپنا پورا نام 9230219803 پہ میسج کر دیجیے, میں آپ کو اپنی براڈ کاسٹ لسٹ میں ایڈ کر لوں گا. اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیجیے میرے نام کے ساتھ, سو آپ کو میرے میسیجز واٹس ایپ پہ ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں, وہاں پر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو میری تمام پچھلی ویڈیوز کی بھی میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں. ان فیکٹ دیر آر سیورل ادر کورسز, کمیونیکیشن اسکلس پہ بھی میرا کورس ہے, انٹروڈکشن ٹو NLP پہ میری پریزنٹیشنز وہاں پہ موجود ہیں. ان کو دیکھیے, آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. اپنے اوپر کام کیجیے, اپنی زندگی کو بہتر بنائیے, پیسولی بیٹھ کے وقت مت گزاریے. وقت کبھی نہیں رکتا. یہ چند منٹ جو ابھی آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو سننے میں گزارے ہیں, یہ منٹس آپ کی زندگی کے گزر چکے, اب یہ منٹس واپس نہیں آئیں گے. سو اپنے وقت کو بہترین استعمال کیجیے.
इसका बेहतरीन फायदा उठाइए, इस पे भरपूर काम कीजिए, आपको इसके भरपूर रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज यहीं पे बात खत्म कर दें, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रहे तो अगले सेशन में आपसे दोबारा बात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, दिस इज कामरान सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।